एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों आज के टॉपिक को बोलने से पहले आपको याद करा दूं कि अगर आप मेरी किसी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं करीब 17 से 18 सालों से बिजनेसमैन को बिजनेस स्ट्रेटजीज की और जनरल पब्लिक को पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। अगर आप एक बिजनेसमैन या किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में हैं तो ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल को मैंने लिया है रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर से। शुरू करते हैं, प्लीज सुन। एक ट्रैवलर एक लंबी सी यात्रा पर निकला अपने ढेर सारे सामान को दो घोड़ों पर डालकर। पहले एक घंटे में उसने पाया कि एक घोड़ा तेज चल रहा है और दूसरा धीरे। उस ट्रैवलर ने धीरे चलने वाले घोड़े की पीठ से सामान उठाया और तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर डाल दिया, मगर धीरे चलने वाला घोड़ा अभी भी धीरे ही चल रहा था और तेज चलने वाला घोड़ा अभी भी तेज चल रहा था। धीरे धीरे इस ट्रैवलर ने अपना सारा सामान तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर डाल दिया, मगर धीरे चलने वाला घोड़ा अभी भी धीरे चल रहा था। और रात को जब ट्रैवलर ने पड़ाव डाला तो धीरे चलने वाले घोड़े ने तेज चलने वाले घोड़े को कहा, ले लो मजा, सारा काम तुम कर रहे हो, सारा सामान तुम उठा रहे हो और मैं मजे कर रहा हूं। वहीं पर ट्रैवलर क्या सोचा था, उसने सोचा कि मुझसे तो गलती हो गई, मुझे एक घोड़े की जरूरत थी और मैं दो ले आया और दूसरा मैं कंबल लाना तो भूल ही गया। मैं एक काम करता हूं, क्यों ना मैं इस धीरे चलने वाले घोड़े को मार दूं और फिर उसकी खाल को ब्लैंकेट की तरह प्रयोग कर लूं। और उसने ऐसा ही किया, उसने धीरे चलने वाले घोड़े को मार दिया। अब बाकी के सफर में राहगीर पूरी तरह से एक ही घोड़े पर आश्रित था। वो खाना मांगता, इस राहगीर को उसको देना पड़ता, वो आराम मांगता, इसको देखना पड़ता, उसको रुकना पड़ता। कहानी पूरी हुई और अब मैं आपसे पूछता हूं, एज ए बिजनेसमैन क्या सीखा आपने? इस कहानी में बहुत कुछ छिपा हुआ है, टॉप मैनेजमेंट के लिए भी और लोअर मैनेजमेंट के लिए भी। टॉप मैनेजमेंट और एक मंझे हुए बिजनेसमैन के लिए इस कहानी का मॉरल है कि किसी भी तरह से एक एम्प्लॉय पर निर्भर नहीं करना, नहीं तो वह एम्प्लॉय इसका लाभ उठाएगा, आपको पदोन्नति के लिए या सैलरी बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल करेगा। किसी भी हालत में अपने मुख्य कार्य, अपने व्यापार के एक व्यक्ति विशेष को न दें, अन्यथा आपको एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी एक ना एक दिन। अपने मुख्य व अहम कार्य को एक से ज्यादा लोगों में बांटिए। लेकिन वहीं पर अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। आपको अपने बॉस को टोटली अपने ऊपर निर्भर करा लेना है। ऑफिस के जितने भी अहम कार्य हैं उन्हें अपने हाथ में लेने का प्रयास करो। ओवरटाइम करना पड़े तो करो, स्ट्रेस फील करते हो कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। लेकिन वहीं पर अगर आप एम्प्लॉयर हो, बॉस हो, तो ऐसा मौका परस्तों को मौके पर चौका लगाने मत देना। किसी एक पर निर्भर डिपेंडेंट न रहना, नेवर डिपेंड ऑन अदर्स। व्यापार में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में ऑलमोस्ट हर स्टेप पर काम आता है। जैसे नेवर डिपेंड ऑन वन वेंडर, इफ द सप्लाई इज इंपॉर्टेंट, किसी एक सप्लायर पर, एक वेंडर पर जिसकी सप्लाई आपके व्यापार के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, उस एक पर निर्भर करोगे तो वह इस बात का नजायज फायदा उठाएगा, पेमेंट में, प्राइस में, क्वालिटी में, कहीं ना कहीं पर जरूर उठाएगा, वह आपको चूना जरूर लगाएगा। अगर आपका धंधा उस सप्लाई से ही चलता है, उस सप्लाई का बहुत महत्व है, तो एक वेंडर पर कभी 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 भी निर्भर मत करना। हमें आपको इस व्यापार के लॉजिक का एक विरोधाभास भी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि एक वेंडर पर निर्भर मत करना, परंतु जब बात इसकी विपरीत हो, यानी कि आपके कस्टमर की हो, आपके ग्राहक की हो, तब आपने उसका बिल्कुल उल्टा, उसका विपरीत करना है। मतलब बिल्कुल साफ है, व्यापार कभी भी पैसे का खेल नहीं होता, व्यापार हमेशा अकल का खेल है। इसे हर इंसान नहीं खेल सकता, इसके लिए किडनी चाहिए, मतलब अकल चाहिए, अकल की जरूरत होती है। आपको अपने ग्राहक के साथ बिल्कुल विपरीत करना है। आपने एक वेंडर पर, एक सप्लायर पर कभी आश्रित नहीं होना, लेकिन वहीं पर प्रयास करो कि आपके बायर, आपका कस्टमर आप पर टोटल डिपेंडेंट हो, आप पर ही निर्भर करे, आप पर ही आश्रित हो, आपके कहने पर उठे, आपके कहने पर बैठे, आपके कहने पर रात हो, आपके कहने पर ही सवेरा हो। तो क्या सीखा हमने कि कभी भी एक वेंडर पर निर्भर मत रहना, परंतु अपने ग्राहक को ऐसा माल दो कि वह सिर्फ आप पर ही निर्भर करे, वो सिर्फ वही करे जो आप कहना चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, कुछ खास है जो औरों के पास नहीं, तो उस प्रोडक्ट को पाने के लिए लोग लाइनें लगाएंगे, आपको मुंह मांगा दाम देंगे, आपकी शर्तों पर आपका प्रोडक्ट बिकेगा। एप्पल फोन इसका उदाहरण है, जीता जाता उदाहरण है। एप्पल आपको फोन अपनी शर्तों पर बेचता है, अपने प्राइस पर बेचता है, क्योंकि एप्पल वह बेचता है जो औरों के पास नहीं है। एप्पल प्रोडक्ट्स पर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ,
बहुत मजेदार होगी इस वीडियो में। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपके सामने सारे के सारे ऐसे फैक्ट्स दूंगा कि किस प्रकार से एप्पल की डिमांड होती है और कैसे इसकी डिमांड बढ़ाई जाती है। हमारा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स इसका एक उदाहरण है। जितनी जल्दी हम अपने स्टूडेंट्स को स्पीकर बनाते हैं, वर्ल्ड में चैलेंज है कि कोई नहीं बना सकता। नतीजा, हम मुंह मांगे दाम मांगते हैं और हमें मुंह मांगे दाम मिलते भी हैं साहब, थोड़ा महंगा कोर्स होते हुए भी। सब लोग, सब स्टूडेंट्स इस कोर्स को दूसरों को रिकमेंड करते हैं। नतीजा, जहां इंडिया में किसी के पास पब्लिशिंग पर 2 सेंटर्स नहीं है, हमारे पास 10 सेंटर्स हैं। कस्टमर को कुछ ऐसा दो कि उसको आपके पास ही आना पड़े, वो कहीं और जाने की सोच ही ना सके, वह पूर्णतया आप पर निर्भर हो। तो हमने आज सीखा कि किसी एक वेंडर पर निर्भर नहीं रहना, मगर जब हम खुद वेंडर बनते हैं जो जरूरत अपने कस्टमर को अपने पर निर्भर कराने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपको लगे कि ये अनएथिकल है, ये अव्यवहारिक है, ये गलत है। कभी कोई इंप्लॉई इंटरव्यू में ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अपितु वह हर तरह का झूठ बोलता है जॉब पाने के लिए। कभी कोई इंटरव्यू में ये नहीं कहता, सर मुझसे अच्छा तो वो बाहर बैठा वो कैंडिडेट है, आप उसको रख लीजिए। कोई दुकानदार ये नहीं कहता कि मेरे माल को छोड़ करके साथ वाले की दुकान पर जाइए, वहाँ पर डिस्काउंट आपको 50% मिल जाएगा। कोई नहीं बोलता, बल्कि वह अपने कस्टमर को जैसे भी हो सके रोकता है। इसे ही व्यापार कहते हैं। यही धंधा है, गंदा है मगर धंधा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ इकोनॉमिकली एंड इन एवरी अदर वे। नेवर डिपेंड ऑन एनीवन एल्स, नेवर डिपेंड ऑन एनीवन, बिकॉज इवन योर ओन शैडो लीव्स यू इन द डार्क। और लोग भी आपके लिए तभी करते हैं जब उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं हो। कभी किसी आदमी के ऊपर निर्भर न रहना, वो सिर्फ मौके की तलाश में है कि कब आपका फायदा उठाया जा सके। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको भी एक जगह पर मत करो। ही सेज नेवर प्लेस योर ऑल इन्वेस्टमेंट इन वन बास्केट। अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करोगे तो जरूर एक ना एक दिन मात खाना पड़ेगा आपको। अगर आप सारे के सारा ज्वेलरी या गोल्ड में करते हो तो कभी न कभी उसका रेट जरूर डाउन होंगे। सो नेवर प्लेस ऑल योर इन्वेस्टमेंट इन वन बास्केट, नेवर डिपेंड ऑन वन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। नाउ माई थर्ड एडवाइस इज, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, If you are a manufacturer, never depend on one machine. अगर आपकी फैक्ट्री में एक मशीन बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है तो आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट होना ही चाहिए। क्या पता मशीन खराब हो और आपकी सारी की सारी प्रोडक्शन रुक जाए। अर्थात हर वो चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसका सब्स्टिट्यूट आपने अपने पास जरूर रखना है। देख लीजिएगा, शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा परंतु लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही होगा। व्यापार में कभी किसी पर विश्वास मत करो, ना किसी व्यक्ति पर, ना किसी एक मशीन पर। सिस्टम बनाओ और सिस्टम पर विश्वास करो, व्यक्ति पर नहीं, एक मशीन पर नहीं। अंत में दोस्तों, अगर आप अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या एक अच्छे कॉन्फिडेंस स्पीकर बनना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज कोर्स एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। हमारे दिल्ली और NCR में 10 सेंटर्स हैं जिसको मैं कह ही चुका हूं, और आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए ऊपर लिखे हुए फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको आगे आने वाली बिजनेस वीडियोस चाहिए तो अपनी सेटिंग्स में जा करके YouTube नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, सब्सक्राइब करें और फिर बेल पर क्लिक कर दीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने व्यापारी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाएं इस पर नई से नई बातें बताता रहूंगा। तब तक के लिए ऑफ डिजाइन शब खैर बी सिंह यू। मिलते हैं हम लोग आज के दिन, आज के समय, मेरी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।